सैफली शाह का जन्म और पालन पोषण गैर फिल्मी पृष्ठभूमि में हुआ। बचपन में सैफली मुंबई के सांता क्रूज में RBI क्वार्टर में रहती थी। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत TV एक्ट्रेस के तौर पर की थी। सैफली ने रामायण, हस्तरे, नया नुक्कड़ आदि कई हिंदी TV सीरियल में काम किया है। सत्या से डेब्यू करने से पहले उन्होंने फिल्म रंगीला में काम किया था, जिसमें उनके कुछ ही सीन है। सैफली मोहब्बत के कमांडो 2, कार्तिक कॉलिंग, कार्तिक आदि कई हिंदी फिल्मों में नजर आ चुकी है। फिल्म सत्या में मनोज बाजपेयी की पत्नी की भूमिका निभाने के बाद वह मशहूर हो गई। महज 21 साल की उम्र में सैफली ने मां के किरदार निभाना शुरू कर दिया था। उनके अनुसार जब उन्होंने फिल्म वक्त द रेस अगेंस्ट टाइम में अमिताभ बच्चन की पत्नी की भूमिका निभाई थी, तब उनकी उम्र लगभग आधी थी, जबकि उसी फिल्म में उनके ऑन स्क्रीन बेटे अक्षय की भूमिका थी। उमा 37 वर्ष के थे। सैफ अली ने एक एपिसोडिक धारावाहिक TV शो साउथर्न इंडिया में भी काम किया है। उन्होंने कई शॉर्ट फिल्मों और वेब सीरीज में काम किया है। 2016 में उन्होंने मेटापोला स्टूडियो आर्ट्स स्पेन से पेंटिंग में 3 महीने का प्रशिक्षण लिया। सैफली अक्सर अपने पेंटिंग को कई प्रदर्शनियों और दीदाओं में प्रदर्शित करती है, जो ऑनलाइन खरीद के लिए उपलब्ध है। 2019 में उन्होंने नेटफ्लिक्स वेब सीरीज डेली क्राइम में अपनी अभिनय किया, जो 2012 दिल्ली गैंग रेप पर आधारित है। सैफली तुलु, हिंदी, अंग्रेजी, मराठी और गुजराती जैसी 5 अलग अलग भाषाओं में धर्मप्रभा बोल सकती है।